फिर आना है, फिर उसकी रूपरेखा भी तैयार कर लेंगे हम सब बैठ के, है ना। बिल्कुल, टेक्निकल यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी अगर कंट्रोलर एग्जाम कंट्रोलर ये कह रहा है कि हम एग्जाम कैसे करवाएं, ऑनलाइन एग्जाम कैसे करवाएं, हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं इस तरीके के ऑनलाइन। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। इस वक्त मैं हिसार की गुरु चंबेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ी हूँ और यहाँ पर कुछ विद्यार्थी जो है बहुत ज्यादा आक्रोश के अंदर है। आप देख रहे होंगे पीछे जो है बहुत सारे विद्यार्थी इकट्ठा हो चुके हैं और लगातार जो है नारे लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आखिरकार जानते हैं उनसे कि क्या कुछ मामला है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मामला जो है विस्तार से बता देती हूँ। मामला ये है कि यूनिवर्सिटी चाहती है कि एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन करवाए जाए, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से एग्ज़ाम्स करवाए जाए, क्योंकि COVID-19 को देखते हुए सभी के सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर डर है अगर ऑफलाइन तरीके से एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं तो कुछ विद्यार्थी जो है जो अलग अलग जगह से यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। तो चलिए जानते हैं इन विद्यार्थियों से ही कि आखिरकार क्या कुछ मामला है और क्यों जो है ये यहाँ पर गुस्से के अंदर नजर आ रहे हैं। सर, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जो जे यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, और ऑनलाइन एग्जाम का हम यूँ नहीं है कि बच्चे ऑफलाइन दे के कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे दूर हैं, कोरोना का टाइम चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, कोरोना टाइम में हेल्थ को देखते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेपर जो ऑफलाइन देना, बच्चे दूर भी हैं, जो बाहर के हैं बच्चे कैसे आ पाएंगे, क्योंकि ट्रेनें बंद हैं, एरोप्लेन बंद है, बच्चे दूर हैं। और दूसरा, टेक्निकल यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी अगर कंट्रोलर एग्ज़ाम कंट्रोलर ये कह रहा है कि हम एग्ज़ाम कैसे करवाएं, ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे करवाएं, हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं इस तरीके के ऑनलाइन एग्ज़ाम को, कौन उनको देखेगा, कौन सुपरवाइज़र करेगा, कौन उनके कैमरे में कैसे वो बच्चों को देख पाएंगे। अगर टेक्निकल यूनिवर्सिटी होके अगर ये बातें कर रहे हैं तो ये जचने वाली बात नहीं है। फिर किस लिए टेक्निकल यूनिवर्सिटी नाम रखा गया है जेजेयू का, और यूनिवर्सिटियां हैं ऑनलाइन एग्जाम ले रही हैं, तो ये इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए जेजेयू से भी, मेरी जेजेयू कंट्रोलर से, जेजेयू रजिस्ट्रार से हम्बल रिक्वेस्ट है कि बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम लिए जाएँ। मेरी बेटी भी बीएड में है, रीअपेयर का एग्ज़ाम दे रही है, बट वो अभी यहाँ है नहीं, बाहर है, तो वो कैसे आ पाएगी किसान आंदोलन करके। तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने में उनको दिक्कत क्या है, मेरी उनसे सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वो कैसे भी किसी भी तरीके से अपनी टेक्निक का यूज़ करें और बच्चों के ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाएं। कि हमारे एग्जामिनेशन ऑनलाइन भी हो, ऑफलाइन भी हो, तो इनकी बात सही लगती है, ताकि लाइफ इम्पोर्टेंट है सर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बच्चे हमारे सेफ रहें। असेसमेंट भी हो, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स, ताकि इनको उससे दिक्कत ना हो। विशेषकर जो स्टूडेंट्स बाहर से आता है, काफ़ी दूर से है यहाँ, तो उसको परेशानी ज़रूर होती है, तो और इस बात को ध्यान में रखा भी है यूनिवर्सिटी ने, मैक्सिमम एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड से कराया है, ठीक है ना। पहले उस समय जो भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आई उसको अथॉरिटीज़ ने काफ़ी गंभीरता से लिया और कोशिश किया कि कोविड में हमारे बच्चों को कोई परेशानी ना हो, तो कोऑपरेट किया है स्टूडेंट्स को, और हम आगे भी जो है ना कोऑपरेट करेंगे बच्चों को, ठीक है ना, ताकि इनको कोई परेशानी ना हो किसी इस तरह की। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई भी ज़रूरी है, असेसमेंट ज़रूरी है, एग्जामिनेशन ज़रूरी है, लेकिन उन सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी स्टूडेंट्स का हेल्थ है, सेफ रहना है, लाइफ है। तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी ने बच्चों की बात को कंसिडर नहीं किया, पहले भी बहुत गंभीरता से लिया है, बहुत ध्यान रखा है, इस बात का सुनवाई हुई है पूरी तरह से, एग्जामिनेशन जैसे ना बात कर रहे हो, लेकिन यूनिवर्सिटी तो इस बात को नहीं मान रही ना। नहीं बेटा, यूनिवर्सिटी भी तो ऑफलाइन लेने के लिए कह रही है। नहीं, यूनिवर्सिटी ने भी जब भी कभी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है तो विश्वविद्यालय ने भी उसको गंभीरता से लिया है। सर, बार बार जैसे बच्चे मिले हैं, समय समय में मिलते रहते हैं, हालांकि जितने बच्चे मिलते हैं उनके लिए आप लोग कर देते हैं, चलो आप लोग ना ऑनलाइन दे दो, उसके बाद और बच्चे आते हैं, और का पेपर हुआ, फिर ये समस्या आती है, इसको एक तरह से पूरे जो कोविड चल रहे हैं तब तक के लिए अगर व्यवस्थित हो तो। इसमें दो तीन वजह हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो समय समय पर जो है ना स्टेट गवर्नमेंट से कुछ नोटिफिकेशन भी आते हैं, UGC से, MHRD से भी कुछ गाइडलाइंस आती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी यूनिवर्सिटी को अपना शेड्यूल या कई बार तरीका एग्जामिनेशन का उसमें कुछ बदलाव करना पड़ता है, ताकि जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, ताकि हमारा बच्चा जो डिग्री कर रहा है यहाँ,
हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसकी डिग्री वैलिड भी रहे, इसमें कोई परेशानी ना आए। तो साथ साथ हमें जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आती हैं, रेगुलेटरी बॉडीज भी समय समय पर अपने नोटिफिकेशन जारी करती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी कई बार विश्वविद्यालय को अपना पैटर्न बदलना पड़ता है, कई बार चेंज करना पड़ता है उसमें। तो अब बच्चों का आप क्या आश्वासन दे रहे हैं? नहीं, अभी जैसे स्टूडेंट्स ने अपनी बात रखी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से अपना एग्जामिनेशन होना चाहिए, तो COE साहब अभी यहीं थे, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, और उनसे भी इन्होंने रिक्वेस्ट किया। मैं बीइंग डीन ऑफ कॉलेजेस, मैंने भी बहुत सुना है इनकी बात को खूब अच्छे से, वी सी साहब से कल मीटिंग करेंगे इस बारे में, और हमारी कोशिश रहेगी कि ये कि बच्चों की इस जेन्युइन बात का कंसिडरेशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, जैसे आपने अपनी शिकायत रखी, उससे आप कितने संतुष्ट हैं कि आश्वासन से? देखिए, हमारा तो एक ही मांग थी कि हमें ऑफलाइन के साथ में ऑनलाइन का भी ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे JJU में सिर्फ ये तो नहीं कि हिसार के बच्चे आ रहे हैं, पूरे हरियाणा से और बाकी स्टेट से भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, तो उस मांग को हमने रखा है कि, और हमारा सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक या दो कोर्स के लिए, हमने इनसे मांग की है कि जो छात्र जिस कोर्स का यहाँ पे नहीं अभी आ पाया है उसके लिए भी आप करिए। तो इन्होंने भी आश्वासन तो यही दिया है कि हम कल मीटिंग करते हैं VC साहब से, और जो भी वो बोल तो रहे हैं अभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि हम कल करते हैं 12 बजे तक का समय मांगा इन्होंने, अगर ये 12 बजे तक कर देते हैं उसको तो बहुत बढ़िया है, वरना उसके बाद सब आपस में छात्र बैठ के इसके आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। तो पहले भी मिले हैं आप लोग इसकी समस्या को, लग रही है समस्या? जी, हम पिछली बार मिले थे, जो पिछले एग्जाम्स हुए थे सेमेस्टर वाले, उसमें इन्होंने किया था ऑनलाइन का ऑप्शन, अब लेकिन इन्होंने जो BEd की निकाली थी जो ये डेट शीट, उसके अंदर इन्होंने सिर्फ ऑफलाइन मोड ओनली लिखा हुआ था, तो हमने वही इनको बोला कि आप इसको पूरे देश में जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी अपने हरियाणा में भी है, जो यूनिवर्सिटी डीक्रस मूर्थल है या MDU या KUK या फिर और जो अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी है बाहर, जैसे PU है, ये सब हर यूनिवर्सिटी जब ऑफलाइन उनके साथ में ऑनलाइन का वो ऑप्शन दे रही है, तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे जी? आप बताइए, जैसे अगर ऑनलाइन के ऑप्शन देने के बाद और ऑफलाइन में कितनी समस्या आती है, अगर आप लोगों को जैसे ऑफलाइन आपको आना हो उसमें? सर, ऑफलाइन का आप खुद देखो कि यूनिवर्सिटी के अंदर ये तो है नहीं कि सिर्फ अपने हरियाणा के या हिसार के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर हर स्टेट के बच्चे हैं। तो हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी से सिर्फ एक मांग की है कि दोनों ऑप्शन ओपन कर दो आप। अब हमने आपको पूरे मुद्दे से अवगत करवाता हूँ कि मैं पूरा मुद्दा ये था कि यूनिवर्सिटी ने पूरा सेमेस्टर जो ऑनलाइन चलाया है, हम ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम ऑफलाइन लेंगे, और साथ ही साथ इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी की है कि हम नेक्स्ट सेमेस्टर है जो वो भी ऑनलाइन लेंगे। तो ये बताओ कि ऑफलाइन एग्ज़ाम किस बात के ले रहे हो आप? साथ ही साथ हमने क्या करा है कि 5 यूनिवर्सिटी जो हमारी हरियाणा की यूनिवर्सिटी है प्लस मिला के DU यूनिवर्सिटी है, जो हमने उन सभी के हमने जो रिटर्न प्रूफ है, जो हमारे पास नोटिफिकेशन थी, डेट शीट वगैरह थी, सब हमने कंट्रोलर सर को दी है साथ में एप्लीकेशन लगा के, तो प्रॉपर हमने वे के अंदर, फॉर्मल वे के अंदर सब कुछ हमने अथॉरिटीज़ को सबमिट करवाया है यहाँ पर। तो आपको कितनी उम्मीद है कि आपके इस बात पर सुनवाई करेगी यूनिवर्सिटी? उम्मीद तो सर कल तक का टाइम है, जैसे हमने अथॉरिटीज़ ने हमसे कल तक का टाइम मांगा है, आज तो जैसे VC सर नहीं है यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर, कल डिस्कशन करके वो बातचीत आगे बढ़ाएंगे, तो कल 12 बजे तक का टाइम है, देखते हैं। अगर कुछ नहीं हो पाता, अगर पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो बहुत अच्छे सभी बच्चों के लिए, अगर कुछ भी गलत आता है तो आगे की रूपरेखा तैयार करते हैं, फिर परसों क्या करते हैं हम। तो ये हमारे साथ कुछ विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद है, कुछ और विद्यार्थी से जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी, कोई नहीं सर, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ मामला है और आप लोग क्या चाहते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम्स कंडक्ट हो या ऑनलाइन हो? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कंडक्ट हो सर। मैम, इसमें जैसे पॉजिटिव आ रखें, ये कह रहे हैं कि उनके भी साथ में ये एग्जाम करवाएंगे अलग से रूम देके, तो और बच्चों को भी होने का खतरा है इसमें, तो हम चाह रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। कल 12 बजे का टाइम दिया है इन्होंने, कल देखते हैं, परसों फिर करेंगे स्ट्राइक। कल 12 बजे तक का टाइम दे दिया गया है, विद्यार्थी चाहते हैं कि एग्जाम जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है COVID-19 के अंदर कुछ बच्चे घर से आ नहीं पा रहे हैं, कहीं जो है अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सभी बच्चे चाह रहे हैं कि दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिए जाए। एक बार इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ जो है आगे बोला जा रहा है। जो भी डिसीजन होगा, अभी विश्वासवाद नहीं है, तो स्टूडेंट्स का मैंने जो भी इनको मेमोरेंडम इन्होंने दिया वो मैंने ले लिया है, तो मैं विश साहब से इसके बारे में चर्चा करूँगा, तो जो भी यूनिवर्सिटी डिसीजन लेगी वो स्टूडेंट्स को बता दिया जाएगा। तो पहले भी जैसे इस तरह की समस्या बार बार आती रही है, आप लोगों को फेस करना पड़ता है, तो कोई ऐसी सुनिश्चित किया जाए कि हाँ जब कोविड चल रहे तब तक ऑनलाइन हो, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा है जी, जो पहले भी जो हमारे पास जो गाइडलाइंस थी वो UGC की गाइडलाइंस थी, यूनिवर्सिटी UGC से चलती है, तो UGC की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही हमने जो फाइनल के जो बच्चे थे, जो भी हमारे टर्मिनल सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स थे, वो हमने उसी के अकॉर्डिंगली, जैसे उस समय कोविड का जो समय था उसी के अकॉर्डिंगली वो एग्ज़ाम करवाए हैं। ये जो बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं, ये आगे के सेमेस्टर जो और सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने हैं, ये उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके बारे में अभी यूनिवर्सिटी जो है वो चर्चा करेगी विश्वास।
सभी यूनिवर्सिटीज जो है ऑनलाइन का पैटर्न नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है, सब यूनिवर्सिटी अपने अपने जो है उस सिस्टम से चल रही हैं, और जो कुछ ये डॉक्यूमेंट्स दिए हैं इनको आज हम स्टडी करेंगे और इसके बारे में विस्तार से चर्चा भी करूँगा। ठीक है, कब तक बच्चों के? अभी आने वाले 2-3 दिन में डिसीजन ले लिया जाएगा। जानना चाहूंगी कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि जो एग्जाम्स है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हो? बिकॉज क्लासेस भी ऑनलाइन लगी है तो एग्जाम भी ऑनलाइन होने चाहिए, बिकॉज 4th सेमेस्टर के भी कह रहे हैं कि ऑनलाइन ही क्लासेस लगी, सो एग्जाम ऑफलाइन का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो कहीं ना कहीं जो है अगर क्लासेस ऑनलाइन लगाई जाती है, बच्चे बाहर हैं, किसान आंदोलन चल रहा है और हेल्थ के पर्पज से देखा जाए तो पहले अभी क्या है, हेल्थ बहुत ज़्यादा जरूरी है। कल 12 बजे तक का टाइम जो है बच्चों को दे दिया गया है, अभी कहा गया है कि 2-3 दिन के अंदर डिसीजन ले लिया जाएगा। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से राय मिलती हुई नहीं दिख रही, आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि COVID-19 के अंदर क्या कुछ जो है डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी चाहते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट किए जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी चाह रही है कि खाली ऑफलाइन तरीके से एग्जाम कंडक्ट किए जाए। हर यूनिवर्सिटी जो है ऑनलाइन पैटर्न को अपना रही है, लेकिन GJU की बात की जाए तो GJU इससे पीछे हटती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे का कारण जो है आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि क्या कुछ निकल करके आता है, क्यों जो है यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम्स कराने से पीछे हटती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, अपने सहयोगी मोई जाखड़ के साथ। आगे भी आपको पल टू पल की अपडेट देती रहूंगी कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट कराए जाते हैं, तथा आप भी जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।